पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्व सदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल बंदनाम। निर्लेपम निज निरगुणाम अकल अनुबेशो नधुनाम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्य तुम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा। चरण कमल डोलाऊं आद्य अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। स्वर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आद्य गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि दारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनी आरे। भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक बड़े विकार। तुम दाता दुख बंजना मेरी करो समार।
जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो, चरणों ऊपर शीश रखूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। तुमरे विसारे क्या बण, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समान। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार, अवसर मनुष जन्म का भाई, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फेरे बनवाया किस काम। कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीश, अब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। तुही तुतकार थी और जपता अजपा जापे, बाहर आके भरम गया, तूने बहुत किए अब पाप। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, हम कालजाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान बताने के लिए, अपने वास्तविक स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं। और काल भगवान ने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया हुआ है, हमारे साथ बहुत धोखा किया हुआ है। इस काल भगवान ने अर्थात ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं, इस काल भगवान ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी हमें नहीं दी, केवल अपने तक, ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान वेदों और गीता जी में वर्णित है। इसलिए हम अपने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सके। और जो ऋषि महर्षि देवगण, जिन्होंने वेदों को पढ़ा, वेद ज्ञान को समझा, और उसमें उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित है, वर्णन है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष होता है, जीव का जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है, उसी की पूजा करनी चाहिए, ये तो वेदों में लिखा है। लेकिन वेदों में जो अधूरापन है वो क्या है कि पूर्ण परमात्मा की यथार्थ जानकारी, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि के विषय में
लिखा है कि किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, अर्थात वेदों में वो वर्णन नहीं है। ऐसे ही पवित्र गीता जी में गीता ज्ञान दाता जो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिताजी हैं, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता जी का ज्ञान बोल रहे थे, उन्होंने भी गीता में केवल अपने लेवल की साधना तो स्पष्ट बताई है, अपने सतर्कता की साधना, और फिर उस पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा कि पूर्ण मोक्ष और वास्तविक शांति और सदा रहने वाले स्थान सतलोक को प्राप्त करने के लिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर और पूरे अध्यात्मिक ज्ञान को जानकर वो साधक फिर जन्म मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, तो वो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म अधिभूत पुरुषोत्तम, कि वो कौन है, वो पर जो तत्ब्रह्म कौन है। आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक गीता जी में कहा है, उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसी के विषय में फिर आगे इन दोनों का अपना और उस परमात्मा का ज्ञान देते हुए गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा है कि ये मेरी भक्ति कर तू मुझे प्राप्त होगा। आठवें अध्याय के छठे श्लोक में गीता जी में कहा है कि ये नियम है अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, अर्थात जिस भी जिस आस्था जिस इष्ट में रखता है, उसी को अंत समय में स्मरण करता हुआ प्राप्त होता है। आठवें अध्याय के सातवें श्लोक में कहा है कि तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, निश्चिंत मुझे प्राप्त होगा। और अपनी साधना के लिए बताया है आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम मम ब्रह्म ब्रह्म माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा तो केवल एक ओम मंत्र का नाम जाप है, अंतिम श्वास तक जो उच्चारण करके इसका स्मरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर आठवें अध्याय के 8, 9 और 10 तीन श्लोकों में स्पष्ट कर दिया कि जो साधक उस दिव्य परम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, अंत समय में उसी की साधना करता हुआ शरीर छोड़कर चला जाता है तो उसी के पास पहुंच जाता है, उसका फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। उस परमात्मा की साधना के विषय में लिखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में लिख कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद पर उस परम पद परमेश्वर की उस पूर्ण परम अक्षर परमात्मा की उस पूर्ण ब्रह्म के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती और मैं भी उसी की शरण में हूं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने ही मुखारविंद से नाना प्रकार के विस्तृत ज्ञान दिया है परमात्मा के पाणी का, उसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शियों के पास संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट छोड़कर उनसे सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान समझाएंगे, फिर जैसे वो कहें ऐसे कर।
तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ये ऊपर को लटका, ऊपर को जड़वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु उत्तम गुण शिवजी रूपी शाखा है वाला एक पीपल का वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष को जो संत पूर्ण रूप से जानता है, सर्वांग सहित छोटे छोटे उनके टुकड़ों तक बताता है, अर्थात सर्व पार्ट्स उस संसार रूपी वृक्ष के बताता है, सर्वांग सहित बताता है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं ही आकर के अपनी महिमा आप ही बताई थी और ये तत्व ज्ञान स्वयं ही उन्होंने सुनाया था। क्या बताया था? अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकीदार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। क्या बताया है? परमात्मा ने स्वयं आकर के कि वो संसार रूपी वृक्ष, अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अध्याय नंबर 15, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 में इसमें कहा है ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम अध्य शाखम अश्वत्थम प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी प्रणानी ये तम वेद स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अध्य शाखम। इसका अर्थ है देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म रूपी दिव्य अक्षर देव पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले अर्थात उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो। अध्य शाखम, अध्य माने नीचे को होना चाहिए, इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले लिख दिया, नहीं अध्य माने ये देखिएगा, अध्य माने इन्होंने अध्य माने नीचे लिखा है तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाना, इन्हीं से शब्दों के अर्थ देकर के इसको ठीक कर लेंगे। ये देखो अध्य, अध्य माने नीचे, ये दूसरे श्लोक में इन्होंने अध्य माने नीचे अर्थ किया है और यहां देखो अध्य, अध्य शाखम नीचे को शाखा वाले यही जाने हम, और यहां देखो संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, छंदासी का अर्थ इन्होंने वेद लिखा बल्कि छंद का अर्थ होता छोटे छोटे भाग और पत्ते आदि को उस संसार रूप वृक्ष को अर्थात यानी उस वृक्ष को संसार की सृष्टि रचना को जो साधक जो संत जो पुरुष मूल सहित जानता है वे वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत, ये पहचान बताइए। अब वो वही ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था वो ऐसे है, देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष का चित्र देखिए पूर्ण रूप से, ये जो ये इतना देखिए नीचे नीचे का, ये है जमीन से बाहर जो नजर आता है उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ कहते हैं। इस पेड़ का ये तना क्या है और ये मोटी डार कौन है, ये तीनों शाखा कौन है,
तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा कौन है और ये संपत्ति क्या है इनके विषय में, और जड़ क्या है, ये मूल क्या है, कौन है, इसके विषय में जो जानकारी देता है स वेदवित अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, वेद के अर्थात तत्व ज्ञान के जानने वाला है। अब ये जो जड़ है ये मूल परमात्मा है, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अध शाखम नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये रजगुण ब्रह्मा जी और सतगुण विष्णु तमगुण शिव, ये तीनों शाखा है, ये दार है। गीता में केवल ऊपर को जड़, ये जड़ बताई है, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, और कोई डिटेल नहीं दी है इसकी। तो इसके विषय में कहते हैं जो पूरे सभी भागों के सभी छंदों के विषय में, नारे नारे भागों के विषय में और पत्तों के विषय में जो जानकारी देता है स वेदवित वह तत्वदर्शी संत है। परमात्मा वेदों में लिखा है कि परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं। वो परमात्मा चारों योगों में आते हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपने बारे में बताते हैं कि चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। हम चारों युगों में आए हैं और हमने ये सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा और हीरे मोतियों की वर्षा की है। इसको कोई नहीं उठा था, कौड़ियों को डलों को पत्थरों को इकट्ठे कर करके अर्थात शास्त्र में दुर्साधना करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। चारों युग में हम पुकारे और कूक कहा हम हेल रे अर्थात आवाज लगा लगा कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हमने आवाज लगाई कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये सत्य है और इस अमृत ज्ञान तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा हम करते हैं। हीरे मोती माणिक वर्षे ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डले पत्थर कौडी, शास्त्र विरुद्ध साधना और तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो कौडी है, वो कौडी है, वो डले हैं, मिट्टी है, यूजलेस है, लाभदायक नहीं है। और तत्व ज्ञान रूपी जो यथार्थ ज्ञान है वो समझो हीरे और मोती है। इस तत्व ज्ञान को कोई सुनने को तैयार नहीं, समझता नहीं, परमात्मा कहते हमने चारों युगों में आवाज लगाई है। और वही परमात्मा चौथे युग में भी आए जब 600 आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी में एक जुलाहा की भूमिका की और साथ में तत्व ज्ञान का भी प्रचार किया। उन्होंने उस समय इस वाणी को बताया था, ये अमृत ज्ञान में लिखा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। अब देखिएगा परमात्मा कबीर जी द्वारा बताया गया ये तत्व ज्ञान, ये हम केवल जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं, ये तना जो है ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म भी कहते हैं इसे, और उस पेड़ के एक मोटी डार निकलती है वो ब्रह्म अर्थात सर पुरुष ज्योति निरंजन, इसको काल भी कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और इस डार के फिर आगे तीन शाखाएं संसार रूपी वृक्ष के तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी सदगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और ये पात रूप संसार, ये पात ये हम आगे जो पात रूप संसार यहां पर है। अब इस वृक्ष की मूल जड़ कौन है ये देखना है, ये
ये जड़ है। ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म इसी के नाम है। ये जड़ है, संसार रूपी वृक्ष का आधार है। ये कौन है? ये कबीर देव। कबीर देव वेदों में कबीर देव लिखा है, और सिंपल लैंग्वेज अर्थात साधारण भाषा में उस तत्व ज्ञान में कबीर देव कबीर प्रभु लिखा है, कबीर परमेश्वर कबीर साहेब लिखा है। तो ये वही परमात्मा है जो सभी पूरे वर्ष को खुराक देता है, आहार देता है, पूरे संसार रूपी वृक्ष को अर्थात पूरी सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों को, अनंत ब्रह्मांडों को कबीर परमात्मा ही अपना सबका जो है पालन पोषण करता है, वही उनको आहार देता है, उनका पालन करता है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस संसार में दो प्रभु प्रसिद्ध है। एक ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष कहते हैं, एक परब्रह्म, एक अक्षर पुरुष। जैसे अक्षर पुरुष तना है और क्षर पुरुष ये मोटी डार है, ज्योति निरंजन है, और फिर इसके आगे तीन पुत्र हैं, तीन शाखाएं हैं, तीन इसके विस्तार हैं, वो रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 और 17 स्पष्ट कर रहा है। ये देखिए, ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक देखिएगा नीचे 16। इसकी संस्कृत देखें पहले। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ है कि द्वौ दो इमौ माने इस, पुरुषौ लोके इस लोक में द्वौ दो पुरुष हैं। द्वौ लोके द्वौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषौ माने प्रभु हैं। दो भगवान हैं जो वेल नोन, क्षर ये क्षर पुरुष ब्रह्म और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म तना ये मोटी डार। इसी प्रकार क्षर ये क्षर जो है सभी प्राणियों के सथूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। ये देखो इनके द्वारा अनुवाद पढ़िए। ये इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। दो प्रभु लिख दिए, दो भगवान हैं ये क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहां देखिएगा अब सत्रहवें में क्लियर किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, वास्तव में जो सच्चा भगवान है वो तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, और परमात्मा इति उदाहरत है, उसको भगवान कहा जाता है। और यह जो लोक तरम तीनों लोकों में प्रवेश कर अविश्य विभर्ति अवै, तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति पालन पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है। इस पवित्र गीता जी को लिखे और उच्चारण किए 5500 वर्ष हो गए, और इस तत्व ज्ञान को कोई भी बताने वाला आज तक परमात्मा कबीर जी के बाद इस दास को उसी परमात्मा कबीर परमेश्वर ने ये खजाना दिया है अमृत ज्ञान का। इस दास को ये बुद्धि दी है कि इन सदग्रंथों को समझ सका, नहीं तो काल भगवान कहता गीता में कि अर्जुन बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे खोल दूं, जब चाहे बंद कर दूं। जैसे जब अर्जुन से युद्ध करवाना था, जब तो उसको इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर मारा था और 100 आदमियों को मार डालता था, और जब काल का काम पूरा हो गया वो वापस छीन लिया बल अर्जुन से,
और जब श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर लगा वो अपने स्वर्ग धाम को चले गए मृत्यु को प्राप्त होकर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की रानियों को 16,008 स्त्रियां थी और गोपियां थी उनको लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने उसको पीटा और उसके हाथ में से धनुष, वही धनुष, वही गांडीव धनुष जो कि एक तीर मार रहा था महाभारत के युद्ध में और सैकड़ों को मार डालता था, वो ही गांडीव धनुष उसे उठा नहीं, कांपने लग गया हाथ से, चला नहीं। तो बलवानों का बल गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे हाथ में है जो मेरे अंतर्गत है, और बुद्धिमानों की बुद्धि, जब चाहे इनको बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे इनको बंद रखूं। तो गीता जी अभी तक काल ने सबकी, विद्वानों की, देवताओं की, ऋषियों की बुद्धि को ऑफ कर रखा था, इनका स्विच ऑफ कर दिया। और ये तो कबीर परमात्मा की शक्ति से ये ऑन हुआ, इस दास के ऊपर मेहर हुई। ये तत्व ज्ञान उसी परमेश्वर कबीर जी द्वारा वर्णित आज उजागर हो रहा है, जिसको रिजेक्ट करके नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने और एक रद्दी के टोकरे में डाल रखा था, लाल को कौड़ी बना रखा था। आज ये लाल को आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। अब इसमें क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक अब 17 में स्पष्ट हो गया वही बात कि ऊपर को मूल जो जड़ रूपी परमात्मा है वही पूरे संसार रूपी वृक्ष को आहार देता है, सबका पालन पोषण करता है। जैसे अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 सुना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं विस्तृत ढंग से कैसे है, क्योंकि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहां असमंजस में पड़ जाते हैं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 17 श्लोक में कहा कि वो अव्यय ईश्वर है, अव्यय ईश्वर का अर्थ भी अविनाशी भगवान, अविनाशी प्रभु ईश्वर, ईश माने स्वामी भगवान और भगवानों में भी श्रेष्ठ भगवान ईश्वर, तो अव्यय ईश्वर का अर्थ है वो परमेश्वर ही अविनाशी है, वास्तव में वो अविनाशी है जो इन दोनों से भी भिन्न है। फिर इसको अक्षर किस लिए लिखा, परब्रह्म को भी अक्षर पुरुष लिखा है 15 में जाके 16 श्लोक में कि क्षर अविनाशी और अक्षर नाशवान, तो इसको अविनाशी और कितना अविनाशी है ये क्षर पुरुष, ये थोड़ा सा परिभाषित करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक चीनी का कप होता है, चाय पीते हैं या चीनी की पत्थर की यानी मिट्टी की जो सफेद सफेद प्लेट होती है जिसमें चाय का सफेद सा प्याला रख कर चाय पी जाती है, ये मटेरियल से बना हुआ समझो शरीर है, ये छर है, नाशवान है, जमीन पर गिरते ही ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये तो मटेरियल समझो इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के शरीर का है, इतना कच्चा शरीर है ज्योति निरंजन, और इस 21 के इसके 21 ब्रह्मांडों में जैसे हम हैं, देवता हैं, ये स्वयं है, और जीवात्मा सभी के अविनाशी है, ये तो मरती ही नहीं, और परब्रह्म को अक्षर पुरुष को भी अविनाशी क्यों कहा, अक्षर पुरुष यानी अविनाशी है, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहां बताया है कि ये समझो कि जैसे स्टील इस्पात का बना हुआ कप होता है, चाय पीने का प्याला, तो वो उस चीनी अर्थात सफेद मिट्टी से बने हुए प्याले की तुलना में बहुत स्थाई है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि स्टील इस्पात को भी जंग लगेगा, नष्ट हो जाएगी, समय भले ही ज्यादा लग जाए, इसलिए इसको अक्षर लिखा है, स्थाई लिखा है, क्योंकि स्टील भी काफी स्थाई है लेकिन वास्तव में स्थाई नहीं है, ये भी डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है, समय उस मिट्टी से बने हुए मटेरियल से बने हुए वस्तु से ज्यादा इसका स्थायित्व है। इन दोनों से अन्य जो प्रभु है वो वास्तव में विनाशी है, जैसे एक सोने का बना हुआ कप
तो वो कभी खत्म समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता है सोने को, ना वो किसी प्रकार से भी समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की उस अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी की तुलना की है गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया है। तीनों को तुलनात्मक तरीके से बताया गया है। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये भी बहुत स्थाई है लेकिन वास्तव स्थाई नहीं, मृत्यु है। और कैसे, और यही तीन सती थी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 और 8 के 18-20-21 तक स्पष्ट किया है। इन तीनों परमात्माओं की न्यारी न्यारी सती थी बताइए। अव्यक्त उसे कहते हैं जो दिखाई ना दे पर साक्षात वहां पर विद्यमान हो, जो हमारी दृष्टि से, हमारी पहुंच से, हमारे साधनों से परे है, जिसको हम नहीं देख सकते, वो चीज अव्यक्त कहलाती है, वो वस्तु अव्यक्त कहलाती है। और उस अव्यक्त को ना देख करके, उस वास्तविक यथार्थ स्थान पर बैठे हुए उस परमात्मा को, विद्वान परमात्माओं को ना देख करके ऋषियों ने, देवताओं ने, जिन्होंने तत्व ज्ञान नहीं था, उसको अव्यक्त का अर्थ निराकार कर दिया। अव्यक्त है जो सामने प्रत्यक्ष ना हो सके हमारे से। जैसे सूर्य बादलों के पीछे अव्यक्त होता है लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो निराकार नहीं है। वास्तव बाहर वो बादलों के पार वो एज इट इज है, जोंका तू है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बीच में बादल है। इसी प्रकार वो परमात्मा बहुत दूर है, ये ब्रह्म और परब्रह्म भी हमारे से बहुत दूर हैं। और जिन साधनाओं से हम साधना करते उससे हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं बन सकती, वो दूरबीन नहीं बन सकती जो दूर सत परमात्मा को देख सके। इसलिए अब जो साधन बताए जाते हैं इस दास के द्वारा, उससे ऐसी दिव्य दृष्टि बनेगी वो परमात्मा आप सभी देख सकोगे और सतलोक में बैठे उस पूर्ण परमात्मा को भी साकार रूप में आप देखोगे, देख सकते हो। वो दिव्य दृष्टि इस साधना से बनेगी जो दास बताएगा। अप्रसंग चल रहा है कि तीन भगवान हैं, एक ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को कहते हैं। और क्षर पुरुष ब्रह्म को, अक्षर पुरुष परब्रह्म को, और परम अक्षर पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष को कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर जी को। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के आप देखिए 23-24 में स्पष्ट किया है। श्रीमद् भगवत गीता इसके अध्याय नंबर ये 7 है और श्लोक नंबर देखिएगा 23 है। इसमें क्या लिखा है नीचे देखिए 24 में लिखा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे, अव्यक्तम अव्यक्त को, मैं अव्यक्त हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मुझे व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति मानते, व्यक्ति रूप में आया मानते हैं ये बुद्धिहीन, मुझे ये बुद्धिहीन जन समुदाय जो सामने खड़ा है, ये मुझ एक बुद्धिहीन समुदाय मुझे मुझ अव्यक्तम अव्यक्त को व्यक्ति रूप में आया हुआ मानते हैं। परम भावम अजानत मम अवम अनुतमम है, मेरे अनुतम यानी घटिया इस अविनाशी सिद्धांत से ये परिचित है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। यहां देखो इसमें स्पष्ट करते हैं, फिर हिंदी देखिए, बुद्धिहीन पुरुष ये जन समुदाय मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये अव्यक्तम इसका अर्थ है मुझ इंद्रियों से परे, मन इंद्रियों से परे, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। 25 देखो,
कहते न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त है, मैं सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं गुप्त रहता हूं, अर्थात वो साकार तो है, बादलों की तरह सूर्य जैसे पीछे चला जाता है वो साकार है, वहां विद्यमान है, व्यक्त है, लेकिन लिखा है कि नहीं न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त है। मूढ़ है ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख जन, अयम मूढ़ है ये मूर्ख जन समुदाय, न अभिजानत जानत लोक माम अजम अवयम, मेरे इस मैं जो किस प्रकार अजर अमर हूं, मेरे न जन्म लेने वाले भाव को नहीं जानते। ये देखिएगा, ये इनके दारुणवाद है इस 25वें श्लोक का। अपनी योग माया से छुप, योग माया समावर्त है, अपनी योग माया से छुपे हुए हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, ये इसका मतलब वो कहीं ना कहीं है। निकृष्ण जी तो सामने खड़े ही थे, वो नहीं कहते ये बात में किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता, इसे सिद्ध होता कि काल बोल रहा था श्री कृष्ण में, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। वह यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम जन्म रहित, मैं श्री कृष्ण आदि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता, ये काल अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी नहीं जानता, अभी जानती, ये गलत लिखा है ना, जन्म लेने और मरने वाला, अब ये जन्म लेता और मरता है, क्योंकि स्पष्ट कहता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए तू नहीं जानता, तो ये अर्थ गलत किया इन्होंने कि जन्म मरने में, जन्म मरने में नहीं आता, यह अर्थ यह है कि मुझे नहीं जानते। ये देखिएगा, ये चौथे अध्याय का नीचे देखियो 5वां श्लोक, ये 5वां, यहां देखो, ये परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि यहां जो गीता ज्ञान दाता कह रहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन ये जन समुदाय जो सामने खड़ा है, ये और तू और मैं पहले भी जन्मते थे, अब भी वर्तमान में है और आगे भी रहेंगे, ये ना जान के हम अभी जन्म हुआ है और आगे ना होगा, अर्थात हम फिर नहीं जन्मे मरेंगे। भावार्थ है कि तेरे और मेरे जन्म मृत्यु सदा होती रहेगी। तो इसलिए गीता ज्ञान दाता ने ना, गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया, ये सिद्ध करना चाहता दास पहले। अध्याय नंबर 2 का और ये 12वां श्लोक देखिए, इधर न तो ऐसा है कि मैं किसी लोक काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो सेना में खड़े हैं नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो अब ये दास साथ में ये भी सिद्ध करना चाहता है कि जो अनुवाद करता है ये अल्पज थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इन्होंने गलत भूमिका बना करके गलत ही ढंग से उसको पेश किया है, इन्होंने जो खुद कहता है मेरे और तेरे जन्म होते रहते हैं, मैं जन्मता मरता हूं, मैं नाशवान हूं, उसको ये अविनाशी की संज्ञा दे रहे हैं। ये देखो अध्याय नंबर गीता जी 7 का और ये श्लोक देखिए इधर, ये 24 नीचे देख, 24 और ये 25, इसमें लिखा है कि न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त है, मूढ़ है अयम न अभिजानती लोका माम अजम अवम, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि मेरे सिद्धांत को ना जानकर ये मुझे अजन अजम और न मरने वाला मानते हैं, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, सबके सामने नहीं आता, इससे सिद्ध है कि वो कहीं ना कहीं बैठा है और वो साकार है। अब इसमें इन्होंने जो इसको बताया है कि जन्म रहित जन्म ने न मरने वाला बताया, ये गलत अनुवाद किया, ये देखिएगा 7वें अध्याय का 25वें श्लोक का अनुवाद
अन्य सभी अनुवादकर्ताओं ने ऐसा किया जैसा ये किया हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। अपनी योग मा से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म मुझ अजम लिखा है, अजम जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को अभी जानते नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता। अरे ये खुद कह रहा है कि मैं तो जन्मता हूं मरता हूं, आगे भी होगा, तेरे भी जन्म होंगे मेरे भी होंगे, तो ये यहां फिट नहीं होता कि ये अपने बारे में अजम कहे या अपने आप को न जन्मने वाला कहे। इसका अर्थ ये है कि इसमें स्पष्ट किया चौथे अध्याय के नौवें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, मैं ऐसे जैसे तुम जन्म लेते हो माँ से माया दुर्गा से, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। इसका जन्म कैसे होता, ये अपनी सबल शक्ति से अपने नाना शरीर बनाता है और उसी से फिर ये नष्ट होता है, इसका पूर्ण परमात्मा की तरफ से ऐसा नियम बनाया हुआ है। ये भी मरता है जन्मता है, वो विधि अभी बताएगा दास कैसे जन्मता और मरता है। अब देखिए चौथा अध्याय आपने पढ़ा, चौथे अध्याय में आपने क्या पढ़ा कि उन्होंने गलत किया है कि मैं जन्म मृत्यु नहीं आता। अब चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, ये देखिएगा। और नौवें में स्पष्ट करता है चौथे अध्याय के ये पांचवा श्लोक है, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखो नीचे ये छह नंबर है इसलिए ये पांच है, वो इस साइड में था। अच्छा अब नौवें इसी के नौवें श्लोक में देखिएगा, गीता अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर नौ में क्या लिखा है कि हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म, अर्थ इसे सिद्ध है कि जन्म तो है गीता ज्ञानदाता का, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब पहले तो ये स्पष्ट किया कि ये काल जन्मता और मरता है, ये नाशवान है और क्षर पुरुष भी नाशवान है, ये क्षर पुरुष अक्षर पुरुष भी नाशवान है, परब्रह्म भी नाशवान है। अब ये जो प्रकरण जो आपको सुनाया है कि तीन परमात्मा है, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों को ही डिफाइन किया जा रहा है, इनको परिभाषित किया जा रहा है, इनका अलग अलग से डिफ्रेंशिएट तुलनात्मक तरीके से इनको बताया जा रहा है। अब क्या बताना चाहता है ये दास कि ये खुद कैसे कहता है कि मैं भी नाशवान हूं और ब्रह्म के बारे में गीता में भी वर्णन है कि वो भी नाशवान है, वो कैसे। अब आठवें अध्याय का श्लोक नंबर 16 और 17 देखिए। अब ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक जाते हैं, यहां देखना ओम नाम की अंतिम उपलब्धि ब्रह्मलोक में जाना होता है, आठवें अध्याय का और श्लोक नंबर 16 देखो। इसमें लिखा है कि अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन, अर्जुन माम उपेत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका क्या अर्थ हमने क्या देखना है, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ति में है, यानी सबका नाश होता है, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ कुछ और बनता है, वो फिर बाद में बताएंगे। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्म लोक तक भी नाश नष्ट होता है, वहां गए भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। अब 17वें में कमाल किया है, क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु, ब्रह्मणे शब्द लिखा है यहां पर पूर्ण पर, बड़े बड़े भगवान ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है पर ब्रह्म के विषय में ब्रह्मणे शब्द लिखा है विदु
रात्रिम योग सहस्त्रानांतम सहसर योग सहस्रांताम ते अहो रात्र विद जना। इसका क्या अर्थ है? इन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया। इसमें केवल 1000 युग लिखा है, सहस्र युग 1000 युग पर्यंत, 1000 युग की रात और इतना ही दिन होता है किसका? परब्रह्म का। इसमें चतुर्युग नहीं लिखा, अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान नहीं था इसलिए इसमें चतुर्युग लिख दिया, अपनी तरफ से मिला दिया। ये देखो अध्याय नंबर 8 का ये श्लोक देखिए, इधर ये 17वां श्लोक है। इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया और ये सेंस ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको सेंसर युग पर्यंतम 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, 1000 होना चाहिए थे, 1000 चतुर्युग लिख दिया इन्होंने। ये अपनी तरफ से अज्ञानता का परिचय दिया। हाँ, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का है लेकिन ये केवल युग लिखा है और इतनी ही रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली जो पुरुष यानी जो संत तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अर्थात जो इस वास्तविकता को बता देगा कि 1000 युग जो परब्रह्म का वो कैसे है और इतनी रात कैसे है, तो वो काल के यानी इस पूर्ण व्यवस्था के जानने वाला, तत्व ज्ञान के जानने वाला संत है। ये भी पहचानियां भी बता दी। अब इस एक तो अव्यक्त आपने देखा, 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहता है कि मैं अव्यक्त हूं और मुझे ये व्यक्ति रूप में कृष्ण रूप में आया मानते हैं, बुद्धिहीन। आई एम नॉट कृष्णा, मैं कृष्ण नहीं हूं। इति सिद्धम, क्योंकि अगर कृष्ण ये वो शब्द कहता जो बोल रहा था, गीता नजर आवत था, लेकिन वो ये नहीं कह सकता मैं व्यक्ति रूप में नहीं हूं, वो तो सामने खड़े थे। उसके अंदर श्री कृष्ण के अंदर ये काल बोल रहा था, प्रेत की तरह प्रवेश करके ब्रह्म सरपुरुष बोल रहा था। और 8वें अध्याय के अब देखिएगा, अब ये रात्रि बताते हैं आपको, 1000 युग केवल युग नोट चतुर्युग की कैसे परब्रह्म की रात्रि होती है। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, इसको लंप सप में वैसे हम 1000 युग चतुर्युग मानते हैं। ये चतुर्युग का जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युग बनता है। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि है और दो दिन रात 30 दिन रात का एक महीना बनता है, 12 महीने का एक वर्ष बनता है और 12 महीने का एक वर्ष बनता है, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है और ब्रह्मा जी से 6 गुना 7 गुना ज्यादा शिव जी की है, ना विष्णु जी की, क्षमा करना, ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा आयु विष्णु जी की है और विष्णु जी से 7 गुना आयु शिव जी की है, शंकर भगवान की है, महेश की है। अब 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु मरता है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव मरता है, शंकर मरता है और 70,000 त्रिलोकीय शंकर शिव मरने के उपरांत 70,000 शिव जब मर जाते हैं तो एक युग होता है परब्रह्म का, एक युग होता है परब्रह्म का अक्षर पुरुष का। और उस समय ये काल का जो ये सदाशिव रूप में, महाशिव रूप में, महाब्रह्मा रूप में, महाविष्णु रूप में जो 21वें ब्रह्मांड में रहता है, उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है और 21 इस एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। इसमें कोई जन स्थिति रहती, लोक जो के त्यों रह जाते हैं, कुछ लोक जो विशेष लोक हैं वो रह जाते हैं।
और इसका पूर्ण रूप से जनरहित हो जाता है। तो ये सारे सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, काल भी अपनी सबल शक्ति से स्वयं अपना जन्म अपनी शरीर धारण करता है सबल शक्ति से, और दुर्गा भी, और साथ में फिर ये सारे अन्य प्राणी भी वहाँ इसी तरह उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहाँ एक जो ब्रह्म एक युग बन गया परब्रह्म का, उसमें एक काल की एक बार मृत्यु हुई, ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन इतनी ही रात्रि होती है। जब परब्रह्म का एक दिन खत्म हो जाता है 1000 युग का नोट चतुर्युग, तो उसमें 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के काल के नष्ट हो जाते हैं, युग काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है, दुर्गा भी मृत्यु को प्राप्त होती है, और सभी प्राणी समाप्त हो जाते हैं। इनका केवल सूक्ष्म शरीर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। 1000 युग की जो रात्रि परब्रह्म की जब समाप्त हो जाएगी, फिर पुनः दिन होगा, तो इस ब्रह्म को और दुर्गा को फिर एज इट इज वापिस यहाँ परमात्मा के पूर्ण परमात्मा के बनाए विधान अनुसार ये दोबारा फिर अपने 21 ब्रह्मांडों में आएंगे, और सभी प्राणी दुर्गा अंदर समावेश होंगे, और फिर अपने अपने कर्म अनुसार ये जन्म फिर प्रारंभ हो जाएगा। अब परब्रह्म के जो एक युग हुआ और 1000 युग की रात हुई, दिन हुआ, इतनी ही रात्रि हुई, इसी प्रकार उसका उसकी आयु का विधान है कि 1000 युग का दिन परब्रह्म का, इतनी ही रात्रि हुई, और 30 दिन रात का एक महीना हुआ, और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु हुई। यानी परब्रह्म जो सेकंड नंबर अव्यक्त है वो भी मरेगा, वो भी अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वहां पर विद्यमान है, अब उसका भी नाश होगा। लेकिन कितना लंबा समय, ओह पहले तो ब्रह्मा का एक दिन, ओह 1008 चतुर्युग, एक युग में, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग और इतना दिन फिर रात, और फिर ऐसे ऐसे 100 वर्ष फिर महीने, फिर 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, उससे 7 गुणी विष्णु की, फिर 7 गुणी शिव की, वो शिव मरे तब 170,000 बार जब शिव जी मर लेगा यहां वाला, तब एक बार वो ब्रह्म मरेगा, क्षर पुरुष मरेगा, और एक युग होगा परब्रह्म का, और 1000 युग की परब्रह्म का दिन, 1000 युग की रात, और फिर इसी प्रकार 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष की आयु परब्रह्म की, फिर उसकी मृत्यु। अब इसलिए उसको अब अक्षर पुरुष कहा कि बहुत लंबे समय में नाश होगा उसका, पर अंत जरूर है। फिर उससे जो अलग अव्यक्त है वो, और इस अव्यक्त से जिसमें परब्रह्म की एक दिन में जो 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्म के समाप्त हो जाएंगे, उस और उतने ही रात्रि के बाद फिर वापस आएंगे, उस अव्यक्त में ये रख दिए जाते हैं, समा जाते हैं सभी प्राणी 21 ब्रह्मांड के, और जब दिन होता है तो फिर वापस उसी अव्यक्त यानी सर पुरुष अव्यक्त, अक्षर पुरुष अव्यक्त से, परब्रह्म अव्यक्त से ये वापस फिर जन्म वापस आ जाते हैं 21 ब्रह्मांड। लेकिन फिर लिखा कि उस अव्यक्त से भी परे जो अविनाशी अव्यक्त है, वह पूर्ण परमात्मा है, वह सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। 3 से 2 गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान सिद्ध हुए, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, और उनसे न्यारा जो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। अब ये गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में, और गीताजी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 18 से 22 तक है स्पष्ट किया, कोई और तीनों के विषय में जानकारी भिन्न भिन्न दी गई है। आ
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।